बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा, और जहाँ तक उसके शासन प्रबंध की बात है, एक वो कुशल शासक प्रबंधक तो था ही, साथ ही साथ उसने अपने शासन में बहुत सी नवीन योजनाओं को लागू किया, और आगामी समय में जो शासक बने उन्होंने उन योजनाओं को कुछ हद तक पालन किया। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, और वो भी राजत्व के सिद्धांत में विश्वास करता था और स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका ये मानना था कि सुल्तान की इच्छा ही कानून होती है, और इसीलिए वो एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। राज्य के कार्यों को करने में वो अन्य लोगों की सलाह को बहुत अहमियत नहीं देता था, लेकिन दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे वो सलाह किया करता था और जिसकी सलाह को वो सम्मान भी देता था। हालांकि राजतंत्र में शासक को शासन कार्य चलाने के लिए कुछ अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तभी वो एक कुशल शासन प्रबंधक का स्थान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसने केंद्रीय सत्ता में सर्वे सर्वा होते हुए भी, जैसा कि आपको पता ही है कि राजा जो होता है वो न्याय का, सेना का, राजस्व का, सबका प्रधान होता है, लेकिन उसने कुछ मंत्रियों और विभागों की नियुक्ति की और उनसे वो विचार विमर्श करा करता था और उन्हें अलग अलग उत्तरदायित्व दिए गए थे। उसके समय की अगर हम शासन प्रबंध को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से चार महत्वपूर्ण पद उसके समय में थे। एक पहला था दीवाने वजारात, यह प्रधानमंत्री का पद था और वो वित्त विभाग संबंधी कार्यों का मुखिया होता था तथा राज्य से राजस्व वसूल करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दूसरा पद दीवाने अर्ज का होता था, यह सेना व युद्ध का विभाग था और इसका जो प्रधान होता था या इसका जो अध्यक्ष होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। दीवाने रसातल जो कि तीसरा विभाग होता था वो विदेश और कूटनीतिक मामलों से संबंधित होता था। चौथा पद दीवाने इंशा का होता था जो कि सुल्तान और प्रशासन से संबंधित पत्र व्यवहार आदि किया करता था। केंद्रीय शासन के अलावा किसी भी राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कोई भी सुल्तान अपने शासन को प्रांतों में विभक्त करता है, और जहां तक प्रांतीय शासन की कुशलता की बात है तो उसने प्रांतों में कुशलता पूर्वक शासन का संचालन हो तो प्रांतों को सूबों में बांट रखा था, और अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कहा जाता है कुल 11 सूबे थे और प्रत्येक प्रांत का मुखिया एक सूबेदार होता था जो कि प्रांत में शांति व्यवस्था और राजस्व वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। राज्य का शासन सुचारू रूप से चले इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था भी आवश्यक होती थी, अतः अलाउद्दीन ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कि उसने बरीद और मुनहिस नामक गुप्तचरों को नियुक्त किया जो कि अमीरों के घरों, दफ्तरों, प्रांतीय राजधानियों आदि में स्थान स्थान पर नियुक्त किए जाते थे, और ये सुल्तान को प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देते थे। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी। यद्यपि सुल्तान न्याय का
सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, स्वयं ही मुकदमों का निर्णय किया करता था और लेकिन न्याय के सर्वोच्च अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। प्रांत में सूबेदार, काजी और निम्न प्रकार के दूसरे अधिकारी न्याय संबंधी कार्यों को संपादित करते थे। न्याय विधि सरल थी लेकिन दंड जो था वो कठोर दिया जाता था और मुकदमों के फैसले में बहुत अधिक टाइम नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की दंड व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चोरों, लुटेरों और अन्य अपराधियों का आतंक समाप्त हो गया। अलाउद्दीन एक कुशल शासक प्रबंधक होने के साथ साथ एक महान साम्राज्य निर्माता भी था और उसकी जो इच्छा थी वो एक विशाल साम्राज्य को निर्मित करने की थी और यदि किसी शासन को साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसके लिए एक कुशल सेना की भी आवश्यकता होती है। अलाउद्दीन इस बात को अच्छी तरह समझता था, अतः उसने सेना को सशक्त बनाने के लिए एक अलग सैन्य विभाग के साथ साथ बहुत से सैन्य सुधार किए और सैन्य सुधार लागू हो, सैनिकों को उचित वेतन दिया जा सके, उनकी सारी क्रियाकलापों पर नजर रखी जा सके, राज्य की आय में वृद्धि की जा सके, इसलिए उसने राजस्व व्यवस्था में भी बहुत से सुधार किए। तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी की के सैन्य सुधारों और अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों पर भी चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि मैंने बताया कि उसने केंद्र में एक स्थायी सेना रखने की योजना बनाई और उसे वो नकद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने एक विशाल और अनुशासित सेना का गठन किया और जिसमें पैदल, हाथी और घुड़सवार सम्मिलित थे। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिश्ता का मानना है कि अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार मौजूद थे। साथ ही साथ युद्ध के अवसर पर जब सैनिकों को युद्ध भूमि में भेजा जाता था तो कई बार जो योग्य सैनिक होते थे वो युद्ध भूमि में नहीं जाते थे और अपने स्थान पर वो अन्य सैनिकों को भेज दिया करते थे। इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया, साथ ही साथ घोड़ों को दागने की प्रथा का भी प्रारंभ किया जिससे अच्छे घोड़ों में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था और जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे प्रतिवर्ष 234 टका तथा दो घोड़ा रखने वाले को 378 टका वेतन देने का प्रावधान रखा गया। साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए उसने बलवन द्वारा पूर्व में निर्मित किलों की भी मरम्मत कराई और दिल्ली तथा सीरी के किले इनमें महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था अथवा लगान व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उसने जो राजस्व के क्षेत्र में सुधार किए उनमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार था भूमि अनुदानों की समाप्ति। अलाउद्दीन ने देखा कि राजस्व की वृद्धि के लिए मुसलमान माफीदारों तथा धार्मिक व्यक्तियों को जो कि इनाम में, पेंशनों में, वक्फ या धर्म अनुदान आदि के रूप में मुफ्त में भूमि मिली हुई है उसे उसने जब्त कर लिया। इसके उसे दो लाभ दिखाई दिए क्योंकि उसका ये मानना था कि वे व्यक्ति जो कि अब राज्य की सेवा में नहीं है उनसे यदि ये भूमि ले ली जाती है तो उससे एक तो राज्य की आय में वृद्धि होगी, साथ ही अमीरों की शक्ति क्षीण होगी और उन्हें नियंत्रित
रखा जा सकेगा। साथ ही उसने विशेषाधिकार वर्ग जो था उसको समाप्त करने का भी प्रयास किया। इस नियम के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन ने मुकद्दस, खुद तथा चौधरी आदि हिंदू पदाधिकारियों को उनके विशेष अधिकार जो उन्हें प्राप्त थे उनसे वंचित कर दिया और राजस्व विभाग के इन तीनों पदाधिकारियों को उनके वेतन आदि पूर्ववत मिलते रहे, लेकिन उनके पास जो भूमि, मकान तथा जो चरागाह थे उस पर उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया गया। साथ ही साथ अलाउद्दीन ने राज्य के करों में अप्रत्याशित वृद्धि की। उपज का लगभग 50% भाग उसके राज्य में कर के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने दो अन्य नवीन कर लगाए जो कि मकान कर और चराई कर के नाम से जाने जाते थे। साथ ही साथ हिंदुओं को इसके अतिरिक्त जजिया भी देना पड़ता था। लेकिन राजस्व के क्षेत्र में उसने एक नवीन प्रयोग किया। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया। इसके लिए उसने बिसुआ को एक इकाई माना। इसके अतिरिक्त सुल्तान लगान को गल्ले के रूप में भी लेना पसंद करता था और अलाउद्दीन ने बकाया कर वसूल करने के लिए दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना भी की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी न केवल खिलजी वंश का वरन सल्तनत काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सुल्तान था और उसने सैन्य और लगान क्षेत्र में जो सुधार किए वो आगे आने वाले जो शासक या सुल्तान हुए उन्होंने भी उसे कम और अधिक रूप में अपनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने शासन प्रबंध के साथ साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों को विजय करने की भी नीति अपनाई। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था और वो पूर्ण रूप से निरंकुश होकर शासन करना पसंद करता।